अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है और तीन टीमों का पता हमें पता है कि वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें सारे फहरिस्त इंडिया जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक भी मैच वो नहीं हारे। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर कौन आएगा, कौन क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए, ये अभी देखना है। और तीन टीमों में अभी तो हम देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो जारी है, जिसमें पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सेटबैक हुआ, कहाँ से क्या जबरदस्त तरीके से वो जीत रहे थे और ग्लेन मैक्सवेल ने सारी काया पलट दी। और आज भी दिल कर रहा है बस उसी पे बात करी जाए, लेकिन आज के मैच पे भी बात करनी है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट्स सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब। सलीम भाई, आज मैच होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेज नेदरलैंड, कितना जरूरी है आज इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना? आज आपने सुना ही होगा, टॉस से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने जो कहा है कि हमने अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहना है तो हमें अगले दोनों मैच जीतने हैं, तो जिसमें से एक पाकिस्तान के खिलाफ है, एक पाकिस्तान के खिलाफ है अनफॉर्चुनेटली। मगर देखें, उन पर भी बड़ा प्रेशर है और वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर हम दोनों मैच नहीं जीते तो हम बाहर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल ये बड़ा वाइटल है, स्पेशली इंग्लैंड के लिए। नैदरलैंड के लिए तो शायद इतना ना हो, पर इंग्लैंड जैसी टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में रहना और उसके लिए उनको ये दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली पिछले पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले और ये उनके लिए अंडर प्रेशर तो होंगे, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सारा अंडर प्रेशर जाएंगे दो चीज़ों के लिए, एक तो जीतना है फिर क्वालिफाई करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ये अच्छा मैच देखने को मिलेगा। नेदरलैंड बुरी टीम नहीं है, क्योंकि ये आप देखें हर टीम को इन्होंने टफ टाइम दिया है, और स्पेशली इंग्लैंड जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, अगर थोड़ा सा वो आज फिर वैसे ही खेली जो पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में खेल रही है तो नेदरलैंड उनको तंग करेगी, तंग कर सकती है। रऊफ भाई, नेदरलैंड जिस तरह से सलीम भाई ने कहा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है कि वही जो एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा नेदरलैंड से कि कैसा परफॉर्म करेगी। हाँ, अगर इंग्लैंड जैसी टीम से मुकाबला है तो वन साइडेड होगा, लेकिन अभी तक की जो गेम्स हमने नेदरलैंड की देखी हैं, बिल्कुल जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि हर टीम को इन्होंने टफ टाइम जरूर दिया है, आज आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, जो नेदरलैंड की टीम है, इन्होंने एक तो क्वालिफाइंग ग्राउंड में बहुत अच्छा खेला था, और वेस्ट इंडीज जैसी जो स्ट्रांग टीम थी उसको इन्होंने दो दफ़ा वहाँ पे शिकस्त दी थी, और उसके बाद फिर जब ये वर्ल्ड कप में आए तो इन्होंने सात मैचेस में से अपने दो मैचेस जीते हुए हैं, और एक मैच जो इनका है वो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने जीता हुआ है, तो आप इनको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। लास्ट मैच अफगानिस्तान में थोड़ा सा इनकी जो बैटिंग थी वो क्लैप्स हुई है, 181 इन्होंने कुछ इस तरह का स्कोर किया, मगर उसके अलावा जो पूरा टूर्नामेंट ये खेले हैं वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है इन्होंने, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और इनकी जो प्लानिंग है वो भी जो इनके रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक बहुत ही शानदार रही है। अब जो इंग्लैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड ने इस मैच को भी बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो इनके हैरी ब्रुक्स हैं जो पीछे मैचेस नहीं खेले, जो उनके मेजर बैट्समैन थे काफ़ी अर्से से रन कर रहे हैं, उनको वापस लाए हैं उसकी लिविंगस्टोन की जगह पे, और फिर इनके जो मार्क वुड जो काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलर हो रहे थे इस वर्ल्ड कप में, हालांकि 150 प्लस हैं, तो उनकी जगह पे ये गस अटकिंसन को इन्होंने खिलाया, 25-26 ईयर्स ओल्ड, वो भी तेज बॉलर हैं, तो दो स्पिनर्स हैं इनके पास, आदर रशीद और मोइन अली, तो काफ़ी मेरा ख्याल है कि इनको 300 प्लस रन करने पड़ेंगे पहले बैटिंग करके, अदरवाइज नेदरलैंड 300 से नीचे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अली 150 वाले बॉलर इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल महंगे ही पड़े हैं। सर, कहाँ पे आप गुफ्तगु ले गए, सिर्फ आते हैं अभी, बाद में आते हैं, अभी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख खान बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सलीम मलिक साहब और रऊफ साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर लें। क्या बात है, आप बड़े ट्रेन हो गए वैसे। जी जी, शौकत साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि कल तो बड़ी मुश्किल से जीत ली हमने, और फिर चले और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की माशाल्लाह उसने अपना बैट्समैन ने, तो हमारे मैं जब पूछा था तो उसे जावेद मेहता साहब, सलीम मलिक साहब हमारे सुपरस्टार थे, और मैच जैसे इन्होंने अपना ईडन गार्डन में 32 बॉलों में 75 स्कोर किया,
तो मगर अब हमारे आजकल बैट्समैन क्यों पीछे जा रहे हैं और भाग जाते हैं, क्या वजह इसकी? और हम तो सब शुरू से दौड़ में जीत रहे हैं, कभी के बजाय जीते। जैसे आपने रात में बताया कि सकले हम स्टार्ट कह रही थी रोजे रखे, तो रोजे को हम फर्ज अगर पूरे करें तो अल्लाह की रहमत से ठीक है। मुझे रोजे सकलैन साहब, इन इमाम साहब या दूसरे बाकी सब रखे, ठीक है हमारे साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना। अच्छा नंबर टू, ये कि अपना मेरे लास्ट टाइम फोन किया था, आपने मुझे बैच दे दिया, मेरे बाद हमदा साहब ने फोन किया उनको आपसे बैच कि अभी बैच ले गए, तो काइंडली मुझे बैच जरूर दें आपकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल डन हो गया शौकत भाई, डन हो गया। मिड्स का बैट आपको मिलेगा जिसपे सलीम भाई, जिनकी आपको सारी इनिंग्स भी याद है, इनके भी ऑटोग्राफ होंगे, साइन होगा, और ज़ाज़र रहू भाई का भी साइन होगा, आपको मिड्स का बैट जरूर मिल जाएगा। अब जरा आ जाए जी, जो उनका सवाल है, सवाल तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि जिन कंडीशन पे आप इतना जबरदस्त परफॉर्म किया करते थे, आप ही जाके उनको फिर थोड़ा सा बता देते वर्ल्ड कप से पहले कि कैसे खेलना है। उन्होंने एक एक और बात भी की है कि दुआओं पे, वो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, असल में आज आपने एक मीम नहीं देखी, बड़ी अच्छी थी, कौन सी वाली? कि वो लेटा हुआ है जमीन पे और सामने अफगानिस्तान की टीम खड़ी है, और उसने वो कह रहा है पाकिस्तान को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा जीतने के लिए। अच्छा वैसे ये जो मीम्स के आपके ग्रुप बने हुए हैं ना, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मीम्स इन्हीं को जाते हैं। अच्छा ये ना सलीम भाई को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आप पाकिस्तान टीम के साथ क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सिखाते बच्चों को? सर आपके लिए भी बड़े आते हैं, रहने दे, आप जो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं ना। मैं आपको बात बताऊँ, आपको ये क्लैरिफाई लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई इसके पीछे असल वजह क्या है। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, फिर आप अपनी वजह बताइएगा। उसके लिए वजह ये है कि ज़का अशरफ साहब कौन सी जमात के हैं, सबको पता है, आप या तो उसमें आ जाएं, या वो जो पहले वाले थे वो जिस जमात के हैं, आप या तो उसमें आ जाएं, आप दोनों में से किसी एक जमात को ज्वाइन कर लें। सर आप हेड कोच भी लग सकते हैं, आप कुछ भी लग सकते हैं पीसीबी में, तो मेरे नजदीक ये वजह। अब आप लोग अपनी अपनी वजह बता दें कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होते वहां पे। मेरे ख्याल में वजह ये है कि देखिए जो आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक है, अब आपको बताना चाहिए ना कौन है वो, उसने पाकिस्तान को कितना सर्व किया हुआ, कैसे वो पाकिस्तान टीम में खेला है। जो आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल है उसने क्या किया हुआ, उसने पाकिस्तान को किस हद तक सर्व किया हुआ, उसका कितना बड़ा नाम है, उसकी जो क्रिकेट के हलकों में उसका कितना यानी कि उसका वकार है या नाम है। उसके बाद जो आपने ये डायरेक्टर लगाया हुआ हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, जहाँ से पूरे पाकिस्तान की लाट आती है, जहाँ से सिखाना, वो उसने क्या किया हुआ, ये सब के सब सिफारशी हैं। एक एक आधा आधा मैच उन्होंने खेला हुआ है, वो भी किसी ने अपने बाप की वजह से खेला है, किसी का भाई कैप्टन था उसकी वजह से एक मैच उसने खिला दिया, यानी कि वो रेलू कट्टे नहीं होते पकड़ के, भाई मेरा भाई कैप्टन बन गया, उसने कहा जी इसको ठीक है यार ये फर्स्ट क्लास खेल रहा है, इसको भी पाकिस्तान का ठप्पा लगवा दें। उस तरह का एक मैच डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को खिलाया हुआ, उसी तरह का एक मैच जो आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक है उसको खिलाया हुआ, इसी तरह का एक मैच जो आगे वो जो बॉलिंग को कोच करता है उसने तो कुछ भी नहीं, उसने जिंदगी में कभी बॉलिंग ही नहीं की, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को कोचिंग कर रहा है, वो भी किसी का भाई, यानी बस रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं वहां पे, और वो परमानेंट रोजियां जो है आपको बताना चाहिए, आपका बताना आवाम को बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको एक्सपोज करें ना यार कि ये आवाम रोजाना सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते, तो इनको बताएंगे, ये तो बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, हम जब यहाँ पे बैठ के बात करते हैं ना कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो क्यों नहीं बेहतर होता, हमारी डोमेस्टिक से अच्छे प्लेयर्स, हाँ कुछ हाँ गिने चुने तो आते हैं, लेकिन और बेहतरी क्यों नहीं आती इसमें, उसमें जो प्लेयर्स को खिलाया जाता है, किस बुनियाद पर खिलाया जाता है, डोमेस्टिक से शुरू होता है ये काम, मेरिट की धजियाँ जहाँ पर असल में उड़ाई जाती हैं वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले वो जो कॉलर ने आपसे सर बात की और सवाल किया कि आप क्यों नहीं बताते, और बात वहीं से जुड़ गई कि आप क्यों नहीं बताते और क्यों नहीं जाते। रऊफ ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि जितनी देर प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे, देखें जिन लोगों ने 20-20 25-25 साल ग्राउंड में गुजारे हुए हैं और जिनका एक्सपीरियंस है, वो लोग अगर उस जगह पे नहीं होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ होता क्या है कि मुझे याद है कि एक बच्चा, मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो अक्सर आते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं जी मैं अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। अब वो सिलेक्शन उसकी हुई और उन्होंने 4 माह डिले कर दिया टूर। अब मैं सिलेक्शन का मियार आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और आप सिलेक्ट नहीं हुए, कैसे आप सिलेक्ट होंगे। 4 माह टूर आगे कर दिया, अब वो अंडर 16 वाला लड़का जो था वो ओवरेज हो गया, और बाकी जितनी वो 32 लड़कों में से 16 लड़के निकाल दिए गए कि जी आप तो ओवरेज हो गए हैं। वो कहें जी हमारा क्या कसूर है, हमने ओ लेवल के पेपर छोड़े हैं, सब कुछ छोड़ा। वो बच्चे आगे रोते थे, और कौन गया फिर, आप गए, वो गया, जो इस तरह ये फिर कंपनसेट करते हैं। ये चीज़ें जो है ना,
ये उतनी देर नहीं रुक सकती। फिर दूसरी और एक चीज क्या करेंगे, सीजन उस सीजन में करवाएंगे जब बारिशों का सीजन होगा। हर साल आप निकाल के देख लें कि बच्चों के ये बारिशों के सीजन में ये करवाएंगे। अच्छा प्लेयर गिल्ली विकेट पे स्कोर नहीं करेगा, किसी ने तुक्का मार दिया उसका, ये फिर ले के उसको घूमते रहेंगे कि ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। वो अच्छा प्लेयर बेचारा स्ट्रगल ही करता रहेगा कि यार मैं किधर फंस गया। अब चार मैचों में से तीन मैच उसके, यानी बहुत सी गड़बड़ है जिसपे जाहिर है फोकस करने की जरूरत है। जाहिर है डिस्कशन भी इसलिए की जाती है ताकि इन चीजों को ठीक किया जा सके। कॉलर है सर हमारे साथ, एक और। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, कौन कहां से और क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सुहेल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सुहेल साहब, अब्दुल रऊफ से मेरे दो सवाल हैं। जी जी, एक तो ये हमारे हारिस चहल थे मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छे बैट्समैन, उनके साथ क्यों इतनी नाइंसाफी की जा रही है? और दूसरा हमारे थे उस्मान खालिद लेग स्पिनर जो के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले थे, लेकिन उनको वहां से यहाँ बुलाया गया लेकिन उनको क्यों नहीं खिलाया जाता? अच्छा, उस्मान कादिर का आपने जिक्र किया, और उससे पहले आपने किसका नाम लिया जी? हारिस सुहेल। ठीक है सुहेल भाई, आपका सवाल आ गया है, और रऊफ भाई से आपका सवाल है। तो रऊफ भाई, दो प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया है और वो कह रहे हैं जी कि इनको क्यों जाती, क्यों हारिस सुहेल का एक तो उन्होंने जिक्र किया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कह रहे हैं प्लेयर उस्मान कादिर का मेहला नाम ले। देखिए, हारिस सुहेल मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक टेक्निकल बैट्समैन है पाकिस्तान की क्रिकेट में। उसको बार बार चांस, वो हमारे दौर में भी खेलते रहे, बड़ा अच्छा वो खेलते थे, काफी बड़ा स्कोर किया उन्होंने डोमेस्टिक में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनको पाकिस्तान ने काफी अर्सा कैरी भी किया, मगर उनके कुछ फिटनेस के ऐसे इशू आ गए कि जिसकी वजह से फिर वो अपना कैरियर को आगे प्रोलोंग नहीं कर सके। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत ज्यादा ओब्लाइज किया, जैसे ही वो फिट होते थे उनको वापस लाते थे, फिर टूर में शामिल करते थे, फिर कोई इंजरी होती थी वो बाहर हो जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी अगर वापस आना, क्योंकि अभी भी जगह है, कोई इतना टेक्निकली अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में नहीं है, तो हारिस रऊफ अगर फिट होकर वापस आते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो उनकी जगह अभी भी पाकिस्तान टीम में बन सकती है। उस्मान कादर को भी पाकिस्तान, देखिए वो T20 फॉर्मेट के बॉलर हैं, पाकिस्तान ने T20 में उनको काफी चांस दिया, मगर शादाब खान की वजह से वो अपना कैरियर वो भी प्रोलॉन्ग नहीं कर सके, क्योंकि शादाब एक आप आंखों का तारा था। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं लेकिन अब जो शादाब की सिचुएशन चल रही है, परफॉर्मेंस चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है उनको। ठीक है, अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आज इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड है, इंग्लैंड का आज का मैच उनके लिए बहुत जरूरी है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए, और पाकिस्तान का मैच भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ना जीते, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज है नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, और मैच का बाकायदा आगाज़ जो है वो आई थिंक हो गया है। जॉनी बेस्टो जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं, और गालिबन डेविड मिलान साथ आए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता था और साथ पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और वह आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम डिस्कस कर रहे थे जी ब्रेक में जाने से पहले कि क्या मामलात हैं, कि क्यों अच्छे जो लोग हैं उनको मैनेजमेंट में शामिल नहीं किया जाता, जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनको पता है कि कहां कहां खामियां हैं और कैसे उनको पुर किया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले ये डिस्कशन चल रही थी, और ये कोई आज पहली दफा तो डिस्कशन चल नहीं रही है, लेकिन करने का मकसद यही होता है कि जो बेहतरी जहां पर की जा सकती है वो लाई जाए। सर सलीम भाई, आपने हमने पहले डिस्कस किया ना कि आप कैसे इस तरफ आ सकते हैं, कैसे आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, प्लेयर्स को अगर सिखाना है आपने तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है आप दोनों की ना एक याजो इंटरनेशनल टाइप कंपनी होना बड़ा जरूरी है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी आप चीफ सेलेक्टर भी लग सकते हैं, आप कुछ और भी लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी याजो इंटरनेशनल है नहीं ना, नहीं, ये भी तो ये देखे बीच में आ गई। उसका बेनिफिट पता क्या होता है? हाँ। उसमें ये होता है कि एक तो आप दोनों तरफ डील करवा सकते हैं, दोनों तरफ से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। उसमें आप मैक्सिमम प्लेयर हायर करके हाँ। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो जो प्लेयर आपको साइन करेगा आप उनकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जो नहीं साइन करेगा चाहे वो फर्स्ट क्लास पे 1500-2000 रन बना के बैठा रहे, पूरा सीजन टॉप करके 100 विकेटें लेके बैठा रहे। सर इस तरफ हमने आना है, ये देखें ये जो आप बात डिस्कस कर रहे हैं ना, एक तो हमने गुजारिश भी की है कि वो पूरा एक चार्ट भी हमारे पास मौजूद है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम बाद में दिखा देंगे, लेकिन अब क्योंकि डिस्कशन आपने शुरू कर दी है तो इस तरफ आ जाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमारे रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक प्लेयर है जो कि सामने आए हैं और उन्होंने अपने बल्ले को आग लगा दी, बल्ला तोड़ दिया और बड़ा कुछ किया है, बहुत ज्यादा हंगामा उन्होंने किया है। बहुत से क्रिकेटर्स इसको कहेंगे जी ये तो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है, ऐसे है वैसे, लेकिन जब एक बंदे के साथ ऐसा हो रहा हो, जब मेरिट का कत्ल हो रहा होगा,
तो फिर बताएं कि वो बंदा या वो प्लेयर जो है, वो खिलाड़ी जो है जिसने इतनी स्ट्रगल की होती है कि यहाँ पे पहुंचे, वो कहाँ जाएगा। ये अगर हम बात करें तो ये नंबर 3 पर है, इनका नाम आफाक शाहिद है, और इनके मुताबिक और जो चार्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर में, 5 मैचेस खेले इन्होंने, 441 रन बनाए जिसमें 2 सेंचुरी इन्होंने स्कोर किए हैं। लाहौर में ये टॉप 3 पर हैं, लाहौर की हम बात कर रहे हैं, और टॉप 3 पे होने के बावजूद इनको कायद आजम ट्रॉफी से दूर रखा गया, यानी उसके लिए बुलाया ही नहीं गया। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, 3 के बाद नंबर 2 पे आते हैं, मोहम्मद फाइक इनका नाम है। 5 मैचेस में 470 रन हैं, कायद आजम ट्रॉफी के लिए इनको भी नहीं बुलाया गया। और जो नंबर 1 के प्लेयर हैं लाहौर की तरफ से, उमेर दानियाल उनका नाम है, 481 रन नंबर 1 पे, लीडिंग स्कोरर, टॉप स्कोरर, और 5 मैचेस में इन्होंने 481 रन बनाए। एक इनको ओडीआई खिला दिया गया, लेकिन उसके बाद कायद आजम ट्रॉफी में इनको भी नहीं, कायद आजम कप जो है उसमें भी शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान कप का एक इनको ओडीआई मैच खिला दिया गया और उसके बाद वो गायब हो गए, नजर नहीं आए। अब ये काफी शिकवा जो है वो कर रहे हैं आफाक शाहिद, और जो सबसे बड़ा इल्जाम यहां पर लग गया है वो इल्जाम, अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर भी आ गया है, कि जो आपकी चीफ सिलेक्टर थे जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन दिया है, ये याजो इंटरनेशनल वाले जो है इंजमामुल हक, उनके बेटे हैं एसामुल हक, जो कि लाहौर में 70वें नंबर पर थे, इनके 200 रन हैं। एक तरफ हम बात करें 470 रन वाली, 481 रन, 441 रन, दूसरी तरफ 70वें नंबर पर, ये टॉप 3 को छोड़ के 70वें नंबर पर जो है एसाम, उनको कायद आजम ट्रॉफी में भी टीम के साथ रख लिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है सर, ये मैं आपसे पूछना पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, ये देखें, अब ये ज्यादती नहीं है, ये टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं इनको छोड़ के आप अगर 70वें बंदे को उठाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो? अली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि होता क्या है कि किसी लड़के को खिलाना हो तो 16 लड़कों की टीम सेलेक्ट होती है, 32-30 लड़कों का कैंप लगता है, और फिर उसको 4 माह के बाद ओवरेज करके बाहर निकाल दिया जाता है। जो ये आप जो सिचुएशन बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये देखें ना, फिर वो मैंने भी वायरल होती हुई देखी है, उसने अपना किट बैग, उसने बैट तोड़े हैं और चीज़ें इस तरह की हैं, तो फिर बच्चा क्या करेगा? वो देखें ना, हम खुद बड़ा स्ट्रगल करके आए हुए हैं, सारा साल जाके क्रिकेट खेलते थे, गर्मियों में जाते थे, सारा दिन ग्राउंड में रहते थे, तो जब एक बच्चा इतनी मेहनत करके अगर उसने स्कोर किया है और वो देख रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास खेलूँगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, एम लेके चलते हैं ना आपके, यार मेरा गोल वो है कि मैंने पाकिस्तान खेलना, जब आपको नीचे से ही वो दुत्कार दिया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले सीज़न में, रौफी विटनेस होंगे कि वो तंदूर पे रोटियां लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, हमारे टेस्ट प्लेयर इंग्लैंड में गाड़ी उबर चला रहे थे। तो बात ये है कि जब आप लोगों के साथ ज्यादती करेंगे तो ना तो पाकिस्तान टीम को अच्छे प्लेयर मिलेंगे, फिर आपको यही होएगा कि आप बैठ के टीवियों पे लोग को फ़ोन किया करेंगे कि जी हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, बेहतर ही नहीं आएगी जितनी देर आप हक वाले को हक नहीं देंगे। हक वाले को जब तक हक नहीं देंगे बेहतरी नहीं आ सकती। आपकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, देख लेते हैं अगले कॉलर जो आते हैं उनसे बात कर लेंगे। ये जो सिलसिला है ये देखें, ये वो एक है ना, ये सिलसिला हर दौर है डोमेस्टिक जो है ना। देखिए, अब हम तो प्लेयर देखते हैं जो हमारे पास कुछ गिने चुने प्लेयर सामने हैं, कुछ नाम आते हैं, हम उन्हीं पर लड़ाइयां करते रहते हैं जी। देखें, आपने शायद आपको इतने चांसेस दे रहे हैं, आपने अब्रार को क्यों नहीं खिलाया, आपने एक लड़का मेहरान भी है, वो भी स्पिनर है, उसका नाम बहुत से लोगों को भी पता भी नहीं होगा। डोमेस्टिक में बहुत से प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनका हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है वो अभी तक आगे आए नहीं, लेकिन उनको आगे आने भी नहीं दिया जाता। यानी किस हद तक, ये जरा बता दीजिएगा, आपके साथ मुझे पता है आपके साथ बड़ा कुछ हुआ है तो किस हद तक डोमेस्टिक के अंदर सिफारिशें चलती हैं, ये इसका बेटा है या उसका बेटा है, इसकी पर्ची वो है, इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेसिक रीजन इसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो सब जितनी मैनिपुलेशन होती है, जितना नीचे इस तरह की मिसमैनेजमेंट होती है, उसका सोल रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का चेयरमैन होता है क्रिकेट बोर्ड का। उसकी वजह क्या होती है कि उसने इलेक्ट होना होता है वोट लेकर, जो रीजनल प्रेसिडेंट होते हैं उनके, रीजनल प्रेसिडेंट ने इलेक्ट होना होता है वोट लेकर जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं,
डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्लबों के प्रेसिडेंट से वोट लेके इलेक्ट होना होता है। तो ये जो ये एक मैनिपुलेशन का ये एक धंधा चलता है ना, ये ऊपर से नीचे तक चलता है। अब ये जो चेयरमैन का मुंह बंद इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जो रीजनल प्रेसिडेंट है उसने उसको वोट देना होता है। उस वो रीजनल प्रेसिडेंट फिर ये करता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने उसको वोट दिया है उसको वो उसके लड़कों को खिलाता है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, जो जिसने वोट नहीं दिया उसको नहीं खिलाता। ये नीचे से ऊपर, यानी क्रिकेट में भी ए टू जेड सियासत ही चल रही है। इतनी गंदी खिचड़ी पकी हुई है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मेरिट पे होने चाहिए। जब तक आप मेरिट पर नहीं करेंगे, सियासी बेसों पर ओब्लाइज करेंगे इन लोगों को, देखें ना कि इनके कारोबार कोई और है, इनके इंटरेस्ट कोई और है, और ये जब इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हवा लगा दी जाती है, टेस्ट लगाया जाता है, तो फिर ये कोई साफी होता है तो वो कहता मैं क्रिकेट पर जान कुर्बान कर दूंगा। कोई शुगर मिल चला रहा होता वो कहता मैं क्रिकेट पे जान कुर्बान कर दूंगा। अब भाई क्रिकेट पे जान मैं कुर्बान करूं जिसने 35 साल धूप सर्दियों में अपना कैरियर सैक्रिफाइस किया, अपनी सारा जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। सलीम भाई की पॉलिटिशियन से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स को फिर गेम में नहीं लेके आएंगे, या उनकी कुछ जमात के उनको लोग कह देंगे बड़ी सिफारिश आ जाएगी और वो उसको ब्लाइज नहीं करेंगे, फिर जाहिर है ये मुमकिन है नहीं। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। एक कॉलर ले लेते हैं सर। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब, कहाँ से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी जी फरमाइए। बड़ी अच्छी बातें हो रही है क्रिकेट के मुतल्लिक, कैप्टन के मुतल्लिक, राउत भाई अपनी मतलब भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। मलिक साहब के जो बेटे हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं और उनको पता है क्रिकेट में कितना चलती है। लोगों के प्रेजिडेंट और हमारे जो दूसरे साहबान है विराजमान है, उन पर कई लोगों का ख्याल करें। मेरी क्लब की जो खेलते थे वो बेचारा भी कैसे खेलने से तो दूर रोकी हो जा रहा है, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते क्लब का नहीं बन सके। मेरी इन दोनों भाइयों से गुजारिश है, मलिक साहब से, रोह भाई से, कि ये खुदारा खुदारा क्रिकेट बोर्ड में एंटर हो और जहाँ जैसे जो हकदार बच्चे हैं उनको कराए। ये मैं इनसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि क्लब में खेले हुए इनको अंदाजा है कि एंसर किस तरीके से चली जाती है, और खुदारा मलिक भाई और रोह भाई आप कृपया ख्याल करें और क्रिकेट बोर्ड में आप एंटर हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और इसी बात के साथ हम आपको आज एक MB का बैट देंगे, क्योंकि आपकी बात मुझे भी अच्छी लगी है कि आप भी चाह रहे हैं कि बोर्ड के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो के वाकई काबिल हैं, जो कि मेरिट पर सबको लेकर चलें। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड मैच जो है शुरू हो चुका है। 35 रन इंग्लैंड बना चुका है, लेकिन आज हम बड़ा ज़्यादा वेट कर रहे थे उस शख्स का जिसका नाम है पोला जी। और पोला जी जो हैं अब मैदान में आ चुके हैं, यानी सेट पे आ चुके हैं। और पोला जी ने क्या जी की थी प्रेडिक्शन, क्या की थी? पोले ने कहा था अफगानिस्तान जीतेगा। नहीं, पोले ने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। सर हैट्रिक होगी वैसे पोले की, आपको अच्छा, आप तो मानना पड़ेगा। अच्छा, पहले आप लोग बड़ा अली जब 7 आउट हो गए थे ना, असि चुल पा के बड़ा मारे असी। अच्छा वैसे पोला जी ए वैसे होया की ये वैसे मैं क्योंकि देखो 91-7 अच्छा कुदरत का निजाम है, यानी आप ये मुश्ताक अहमद वाली बात कर रहे हैं कुदरत का निजाम है। बाद में आते हैं। अभी जो इन्होंने लिख दिया नाम वो अपने नाज़रीन को बताते हैं। इंग्लैंड का नाम इन्होंने दे दिया जी कि आज के मैच में इंग्लैंड जो है, ये पोला जी का ये है कि इंग्लैंड जो है आज का मैच जीत जाएगा नेदरलैंड से। सर आज ही का जीतेगा ना, अगला पाकिस्तान वाला तो नहीं जीतेगा ना? अच्छा ठीक है, आज का मैच इंग्लैंड जीतेगा, अपनी पोजीशन बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान फिर उम्मीद से है। पोला बड़ी खतरनाक गल कर रहे हैं। पाकिस्तान फिर उम्मीद से है सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद से हैं, पूरी कौम उम्मीद से है पाकिस्तान के लिए। देखो ना पहली है पोला ने दिया है, सियाणा हो गया पाकिस्तान एकदम जा जाएगा। पोला कोई सियाना नहीं होता जा रहा। एक तो ना पोला जी की प्रेडिक्शन है ना, एक हमारे उसामा भाई हैं ना सर, एक उनकी प्रेडिक्शन थी और उन्होंने आपको क्या कहा था जरा बता दें आज नाज़रीन को, हैरान रह जाएंगे सारे। पोला जी कहते मेरे मोकलों ने बताया, उसामा ने। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैच खत्म हो गया, वो मुझे फोन किए जा रहा है मिस पे। क्या बताया था मोकलों ने? कह रहे जी आज उन्होंने वो नहीं वो नहीं ग्लेन मैक्सवेल वाला। हाँ वो कह रहे पहले कहते नशे में दे
और जब ऑन 7 आउट हुए ना, अच्छा, कहता नशे में थे। अच्छा। हमने बोले उसको, बड़ा रिकॉर्ड गया सामा, ये तूने क्या यार। हाँ। सामा चला गया घर। हाँ। वहां जाके वो कहीं गेम चेंज हो गई। हाँ। वो वहां से फोन कर रहा है, ओ वो ठीक हो गए हैं, उन्होंने पानी जाने। मुझे सामा साहब कहते हैं कि मैंने बता दिया था कि जी ग्लेन मैक्सवेल ने 150 प्लस करना है, करना नहीं। ये वैसे उसने कहा था, ये उसने कहा था, ये उसने कहा। अब ये मैं भी हैरान हूँ कि भाई ये कैसे, मतलब ये शेयर कर दीजिएगा उसका नंबर, अब बड़े सारे पागल लोग उसको फोन करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, पागल लोग फोन करना शुरू होंगे। आजकल एक स्कैंडल भी चल रहा है इसी चीज को लेके, फोन क्यों कर रहे हैं जिस पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा? क्यों फोन करेंगे? क्या करने के लिए फोन करेंगे? बहरहाल नाजरीन, अच्छा स्कोर तो बता दीजिए हमारे नाजरीन के साथ ही साथ, मैच भी थोड़ा थोड़ा जाहिर साथ डिस्कस कर रहे हैं। 39 जो है वो स्कोर हो चुका है इस वक्त, और नेदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो जारी है। 4 ओवर हो चुके हैं। इंग्लैंड आज, जिस तरह आपने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में कहा कि भरपूर तरीके से कोशिश करेगा आज का मैच जीतने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो दिफाई चैंपियन है, यानी वो टीम जिसने लास्ट वर्ल्ड कप जीता, इस वक्त नेदरलैंड से भी नीचे हमें चार्ट में नजर आ रही, पॉइंट्स टेबल पर नजर आ रही, क्या वजह बनी? देखिए, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले तो इंग्लैंड की टीम मेरी भी फेवरेट टीम थी, और काफ़ी लोगों की ये फेवरेट टीम थी, क्योंकि इसमें एक तो बैट्समैन बड़े अच्छे, हैरी ब्रुक्स थे, जो रूट्स हैं, बेरिस्टो हैं, बटलर, यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे मेरा फेवरेट बैट्समैन है वो बटलर था। मगर पता नहीं इनको क्या हुआ कि स्वाय मिलान ने, जिसने एक सेंचुरी की है 104 बॉलों पर 140 रन्स किए, उसके अलावा इनके सब के सब बैट्समैन नाकाम हो गया इस टूर्नामेंट में, किसी से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हुई। हालांकि जो रूट्स थे वो बड़े स्टडी प्लेयर हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं कंटिन्यूसली, लिस्ट ए के मैचेस खेलते हैं, और वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, टीम को लेकर चलते हैं, मगर पाँच मैचेस में लगातार वो फ्लॉप हो गया, अर्ली ऑन आउट हुए, इनकी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। फिर इनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता रहा। हम इसको फिर पोस्ट मैच में भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या इनकी जवाल की क्या वजह बनी है। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी मेन रहना है, तो इंग्लैंड को आज का मैच और पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना होगा, लेकिन हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए हो सकता है इंग्लैंड ना जीते अगला मैच, आज का कोई पता नहीं। नाज़रीन, पोस्ट मैच में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।